गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 22 नवंबर 2022। योर डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। सही डायरेक्शन में आप अगर कछुए की तरह, टॉर्टोइस की तरह भी चलोगे फिर भी चलेगा। सही डायरेक्शन में घोड़े की तरह तेजी से दौड़ने का इतना महत्व नहीं है। महत्व है कि आप अपने डायरेक्शन में चलते रहे, चाहे वो कछुए की स्पीड से ही क्यों ना हो। इवन इफ आप कछुए की स्पीड से चलते रहोगे फिर भी आज ना तो कल आप अपने डायरेक्शन, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाओगे। डॉलर इंडेक्स अभी है 107.60। ये हाई मारा था 108.00, जैसे कि हमारा एंटीसिपेटेड जोन जो था 108 के आसपास, क्या वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं। कल का जो कैंडल था वहां पे कोई नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं था। इट वाज ए फुल ग्रोन फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, दैट इज अ बुलिश कैंडल, जहां पे स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। आज हमें देखना है कि ये इस एरिया पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है या नहीं, दैट इज आवर लुकआउट। डॉलर रुपी, जैसे कि हमने ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप में हमने डिस्कस किया, स्पेशल वीडियोस रिलीज्ड ऑन संडे इवनिंग, कि डॉलर रुपी ये सेंटर बैंड में जाने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेके आवरली या फोर आवरली आपका ट्रेंड लाइन के नीचे, फोर आवरली होगा तो वैसा या आवरली होगा तो लाइक दिस, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्या क्लोजिंग दे रहा है, हमें अभी इंतजार है। यहाँ पे आप देखोगे एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है कल का जो कैंडल है फोर आवरली पे। इसके लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं एंड आपका 81.9597 में भी प्ले कैप्ट एज ए स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट टूवर्ड्स 80.50। Not exactly 80.50. आप ऐसा भी हो सकता है 80.60 या 80.65 से फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है 80.00 से 80.20 की तरफ जाए। जीबीपी डॉलर यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है आपका। यहाँ पे कंसोलिडेशंस के बाद हमें इंतजार है आपका 15 नवंबर के हाई के ऊपर क्लोज देना, देन हमें नेक्स्ट अप मूव देख सकते हैं। जीबीपी आईएनआर में भी सिमिलरली ये कंसोलिडेशंस के बाद हमें अप मूव देखना है, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट अ अप मूव टुवर्ड्स 98.50। यूरो डॉलर अभी है 1.0257। कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखा क्या, एंड ये सेल ऑफ इज ए गुड पुल बैक और रिट्रेसमेंट। इसके बाद हमें जो अप मूव मिलना है दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। यूरो आईएनआर में भी सिमिलरली एक पुल बैक देखा गया था, ऐसे हम एंटीसिपेट कर रहे थे कि दिस टाइप ऑफ पुल बैक एंड बाई, तो कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है एंड आज यहाँ पे ये एक जस्ट स्टार्टेड द डे विथ ए ग्रीन कैंडल, दैट बीइंग द केस लोअर टाइम फ्रेम में आप अपना जो भी बाइंग सेटअप है उसके हिसाब से आप लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हो। डॉलर यन पे 141.93, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे था, ये पिन बार के बाद यहाँ पे पुल बैक में जो हमारा फर्स्ट प्रोबेबल रेजिस्टेंस था वो है 142.50 के आसपास, एंड सेकंड रेजिस्टेंस ये है कि 145.35 के आसपास। तो अभी ये फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस में पहुंचा है, क्या यहाँ से नीचे आएगा या नहीं, कैसे जानेंगे हम 15 मिनट्स या आवरली टाइम फ्रेम में जाके हमारा सेलिंग सेटअप अगर मिलता है तो वहां पे लो स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। ये 9R पे अभी है 0.5758, यहाँ पर भी एक पुल बैक आया है, जैसे कि हम लोग इंतजार ही कर रहे थे एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद एक अप मूव आएगा तो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। अभी वैसा ही दिख रहा है, दैट डजंट मीन दैट आप यहीं पे बाय कर लो। आपका जो भी सेटअप है वो लोअर टाइम फ्रेम में, मे बी ऑन 15 मिनट्स, मे बी ऑन 30 मिनट्स और मे बी ऑन आवरली चार्ट में, उसमें अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है देन यू कैन इनिशिएट दैट वन विद ए मींस वेरी मिनिमल स्टॉप लॉस।
अभी है डॉलर कैंडी आपका 1.3428, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशन था, क्या ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर भी एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप बन रहा है आपका, ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप बन रहा है। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या ये नीचे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 आवरली पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना के उसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे 4 आवरली क्लोज दे देगा उसके लो के नीचे, जो कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देगा उसके लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर होगा ये कैंडल का, दैट इज 1.35 ही पकड़ लीजिए, 3510। एक थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी देना चाहिए एंड टारगेट हमारा जो होगा 1.3250 का टारगेट होगा। आप यहाँ पे एक प्ले अराउंड कर सकते हैं। ऑसी डॉलर अभी ये 0.6615, जैसे हमारा एंटिसिपेशन था ऐसा पुल बैक के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। यहाँ पे हम आप आवरली बेसिस पे 30 मिनट्स पे या 15 मिनट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आप ये लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। डॉलर सीएनएच है अभी 7.1435, ये भी सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके आने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहते हैं इन सच ए केस, 4 आवरली पे आपका एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट खींचना चाहिए, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज देगा उसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं एंड अभी जो इमीडिएट स्विंग है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर भी डॉलर सीएनएच में भी ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप आ रहा है आपका। यूके ऑयल में आपका ये स्विंग लो मारा था कल आपका 82.38, लो मारने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल। दैट बीइंग द केस आप कल के हाई के ऊपर लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं एंड लो के नीचे स्टॉप लॉस, हालांकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लोअर टाइम फ्रेम में आप इस लो के आसपास आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ये स्पिन बार सेज के आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन इमीडिएटली करने से क्या होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा। तो हमें ऐसा पोजीशन ढूंढना चाहिए ताकि नियर बाय इस लो के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, दैट विल गिव अस ए लो प्रोबेबिलिटी बाइंग सेटअप, लो रिस्क रिवॉर्ड बाइंग सेटअप। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी भी ये 3 दिन कैंडल बैक टू बैक बुल करने के बाद, अभी एक जस्ट स्टार्ट ऑफ द डे है, आज का भी कैंडल बाकी है, क्या हमें देखना है कि कहाँ से ये रेजिस्टेंस लेता है। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी को ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इन सच ए केस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड ऑल्सो दोज गाइज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आने वाले दिनों में हम और भी बेहतर कुछ प्रेजेंटेशंस लाए तो आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।